राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने अनमोल के खिलाफ साल 2022 में दर्ज दो एनआईए मामलों में भी आरोप पत्र दायर किया है। बता दें कि एनआईए ने ये कार्रवाई तब की जब हाल ही में मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला शूटर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु अमेरिका में रहता है। वह वहीं से लॉरेंस के इशारे अपराधों को अंजाम देता है। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी अनमोल आरोपी है। बीते साल भी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था। इनमें यह भी कहा गया है कि अनमोल अपने ठिकाने बदलता रहता है, उस पर करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, वह जोधपुर की जेल से सजा भी काट चुका है। 2021 में 7 अक्टूबर को उसे रिहा किया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजीत पवार वाले एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को देर रात गोली मारकर हत्या करने के मामले में भी अनमोल बिश्नोई के तार जुड़ रहे हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को लेकर एक और नया दावा दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से पहले शूटर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, इन तीनों आरोपियों ने अनमोल से स्नैपचैट के जरिए बात की थी।